नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां एक मुसलमान व्यक्ति जो कि अयोध्या का रहने वाला है और दुर्गा माता की आरती करके चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवरात्र के दिनों में अब भक्तों के मन में भक्ति भावना हिलोरे मारने लगी है। इन सबके बीच में बीकापुर में मुस्लिम का माँ की भक्ति में लीन होना अलग ही फिजा बना रहा है। जी हाँ, बीकापुर के कोछा बाजार निवासी मोहम्मद मुस्लिम शेख इन दिनों अपने सभी कार्यों से विमुख होकर केवल माँ की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्लिम शेख वैसे तो बगैर भेदभाव के तमाम हिंदुओं के पर्वों पर शिरकत करते आए हैं, मगर इस बार क्षेत्र की करीब 50 दुर्गा पंडालों में अपना सहयोग प्रदान करने वाले मोहम्मद मुस्लिम शेख माँ के भक्तों को खूब भा रहे हैं। पंडालों में आरती के समय भक्त अपने बीच में मोहम्मद मुस्लिम शेख को पाकर निहाल हो रहे हैं। नतीजा यह है कि लोगों का प्यार व मां के प्रति श्रद्धा मोहम्मद मुस्लिम शेख को तमाम दकियानुसी बंधनों से ऊपर भक्तिमय माहौल में लीन होने को प्रेरित कर रही है। फिर चाहे मां का जयकारा हो या फिर आरती, बेहिचक मोहम्मद मुस्लिम शेख हर रूप में माँ के दरबार में मत्था टेकने में नहीं हिचकिचाता। बड़ी बेबाकी से अपनी सफलताओं का श्रेय मां के आशीष को देते हुए मां के चरणों में मत्था टेकना अपना सौभाग्य मानते हैं। मोहम्मद मुस्लिम शेख की माने तो मां के दरबार में आने से उन्हें परम शांति मिलती है। धर्म संप्रदायों के सवाल पर बड़ी सादगी के साथ मुस्लिम का दावा है कि एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होना एकता का प्रतीक है, ना कि अपने धर्म से रुसवाई। फिलहाल बीकापुर में तमाम पंडालों पर मोहम्मद मुस्लिम शेख की उपस्थिति अयोध्या को वफाओं का शहर करार देने के लिए काफी है। यह उन लोगों के लिए भी एक सबब है जो समाज को कई संप्रदायों में विभाजित करके अपनी रोटियां सेकते आए हैं। फिर चाहे बात इकबाल अंसारी की हो या फिर शरीफ चाचा की, एक कदम और आगे आकर मोहम्मद मुस्लिम शेख ने भी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत में सभी के योगदान का संदेश देने का प्रयास किया है, जो माँ के भक्तों को आनंदित कर रहा है। हम बहुत दिन से, जब से भी राजनीति में आए हैं या नहीं थे राजनीति में, तब से जो है हमारी आस्था विश्वास हर समाज के लोगों को जोड़ना है। हर समाज से मिलते हैं, हर धर्म हर समुदाय से ऊपर हट करके हम काम करते हैं। न हमारे हिंदुत्व मुसलमान कोई भावना नहीं है। जब से माता जी का पंडाल सज रहा है, जब से माता जी की स्थापना हुई है यहाँ पे, या हमारे पूरे क्षेत्र में, या हमारे पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में, जब से मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ हूँ, या इसके पहले यहाँ का पूर्व प्रधान, मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ, हमेशा आया हूँ माता जी के चरणों में। मैं अपना नतमस्तक झुकाया हूँ। हमसे जो हो सका है माता जी के लिए मैंने किया है। हमारी यही आस्था विश्वास है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 50 से 55 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सजी हुई हैं। माता जी का दरबार सजा हुआ है। हम हमेशा जो है हर मूर्तियों पे जाता हूँ। हमसे जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से माता जी के चरणों में अपना योगदान करता हूँ। हमेशा जाता हूँ, हमेशा जाता रहूँगा। जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं माता जी में आस्था जताता हूँ। हमको किसी भेदभाव से मतलब नहीं है। मैं आरती भी करता हूँ, मैं चंदन भी लगाता हूँ, मैं जाता हूँ। एक मुस्लिम समाज के होने नाते नहीं, समाज से उठ करके जो है मुस्लिम समाज को नहीं, सारे समाज को जोड़ने के लिए माता जी में आस्था जताता हूँ। माता जी में विश्वास रखता हूँ। माता जी के चरणों में अपना नतमस्तक झुकाता हूँ। हमसे जो भी हो सका है हमेशा मैं किया हूँ। हमेशा विश्वास हमको है, माता जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। जो है आज हम जो भी खड़े हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो माता जी की देन है। कोई उसमें त्रुटि कमी नहीं है। माता जी की जो जो स्थल है यहाँ पे, माता जी ने ही हमको, हमारे माता जी के जो है क्या कहते हैं, माता जी के ही वजह से मैं आज जो कुछ पहुँचा हूँ माता जी की देन है। मैं जिला पंचायत हुआ हूँ तब भी माता जी की देन है। माता जी में आस्था रखता हूँ। और यहाँ पर यहाँ का जो है, मैं कोछा ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान लगभग 15 साल रहा हूँ, सब माता जी की देन है और यहाँ की जनता की देन है। हमारी जनता का जो, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, माता जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा सदैव जो है हम यहाँ पे पंडाल में आते जाते रहते हैं। हमेशा जो हमने जो हो सका हमने योगदान किया, हमेशा योगदान करूँगा। और माता जी में आस्था विश्वास देता हूँ। जय माता की।